छह महत्वपूर्ण अंग है, सिक्स इंपॉर्टेंट बॉडीज है, सिक्स ऑर्गन्स है, तो उनमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आई शुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए कि यूनाइटेड नेशंस की जो महत्वपूर्ण जो पर्पस है, द मेन पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और उसको मेंटेन करने का दायित्व, उसको बनाए रखने का दायित्व जो है यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसको दिया गया है। जैसे मैंने अभी कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब उसका निर्माण हुआ था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण किया गया यूनाइटेड नेशंस के तहत, तब उसकी 11 राष्ट्रों की सदस्यता थी, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स थे, 5 परमानेंट मेंबर्स जिनका नाम हमने हमने लिया ही है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन यूएसएसआर जिसे कहा जाता था, अभी वो नहीं रहा है, अभी फेडरेशन ऑफ रशिया को उसकी मेंबरशिप गई है, चाइना, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, ये जो 5 राष्ट्र हैं, इन 5 राष्ट्रों को परमानेंट मेंबरशिप थी। इनके अलावा जो 6 अलग राष्ट्र जो थे नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, तो वो 1965 तक, लेकिन 1965 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एनलार्ज किया गया और उस जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनकी 6 से संख्या बढ़ा करके उसकी 10 की गई, तो आज के तारीख में 15 मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशंस, 15 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, उनमें 5 जिनके पास वेटो वेल्डिंग पावर है, ऐसे 5 परमानेंट मेंबर्स। अब यूनाइटेड नेशंस का ये सिक्योरिटी काउंसिल का दायित्व क्या है, तो इन केस ऑफ द थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सप्लोर द वेज टू सेटल द डिस्प्यूट पीसफुली एज प्रोवाइडेड इन चैप्टर 6 ऑफ द यूएन चार्टर। यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर है, उसके चैप्टर 6 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से क्या प्रावधान करने किए जाने चाहिए या कौन से इनिशिएटिव्स लिए जाने जाने चाहिए, उसके प्रावधान किए गए हैं। उनके तहत इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरे में लाने वाले ऐसे जो भी घटनाएं हैं या जो भी विवादास्पद मुद्दे हैं, उनको सुलझाने का प्रयास जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से होना होना है। इसी के साथ में जो पीस कीपिंग फोर्सेस जो है, पीस कीपिंग मिशन जिसे कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से पीस कीपिंग फोर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो डिस्प्यूटिंग कंट्रीज है, जो जो लड़ने वाले जो लड़ाई में संलिप्त ऐसे जो देश है या दो पार्टीज है, उनके बीच में सीज फायर हो, उनमें लड़ाई बंद हो, वो स्थगित हो, इस दिशा से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से पीस कीपिंग मिशंस भेजे जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन ऑल्सो टेक मेजर्स टू इन्फोर्स इट्स डिसीजंस अंडर चैप्टर 7 ऑफ द चार्टर। जैसे चैप्टर 6 में एक पीसफुली रिजॉल्व करने की, एक कजोल करने के लिए समझाने की बात है, अगर फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, तो चैप्टर 7 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसमें यह प्रावधान है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वह पीस को एनफोर्स करने के लिए, ताकि जो युद्ध है वो समाप्त हो, कुछ प्रमाण में धमकी देना, डराना और इस आर्थिक प्रतिबंध लगाना, ये सारी चीजें, जैसे जैसे ये इकोनॉमिक सैंक्शंस है, आर्म्स एम्बार्गोज है और कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस तो हमको पता है, ये रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के समय में रशिया पर अनेक सारे यूरोपियन यूनियन और अनेक देशों ने इकोनॉमिक सैंक्शंस मतलब आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। आर्म्स एम्बार्गोज का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन पास किया है युद्ध रोकने के लिए बोला है, वो मान नहीं रहा है, ऐसे राष्ट्र के साथ कोई भी आर्म्स ट्रेड नहीं किया जाएगा, या उसको आर्म्स ट्रेड नहीं किया जाएगा मतलब उसको कोई भी आर्म नहीं बेचेगा, आर्म्स मतलब वेपन्स नहीं बेचेगा, शस्त्र नहीं बेचेगा, मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं बेचेगा। इसी के साथ में जो इंटरनेशनल वाटर्स है उसमें उसके जहाज जो है युद्ध पोत, उनको जाने पर रोक लगाई जाएगी, या फिर इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है उसको उड़ने पर रोक लगाई जाएगी, इस प्रकार के आर्म्स एम्बार्गोज, उसको आर्म्स एम्बार्गोज कहते हैं। और कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन मतलब फिर भी नहीं मानता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कलेक्टिवली यह निर्णय ले सकती है, जैसे मैंने कहा कि 5 परमानेंट मेंबर्स
और 9 नॉन परमानेंट मेंबर्स इनके ये अगर साथ में आकर 9 नहीं यस हमने पहले देखा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है तो 9 जो है ये हमने कहा था 10 परमानेंट मेंबर्स डिसीशंस मस्ट बी पास बाय 9 out of 15 मेंबर्स। तो ये 5 मेंबर जो 15 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पूरी जो 15 मेंबर उनमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट उनमें से 9 टोटली मतलब 9 मतलब 5 परमानेंट का तो होना ही है और चार 10 में से 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है उन सबने मिलकर के जो 9 वोट्स अगर उस डिसीजन के फेवर में आते हैं तो वो जो राष्ट्र जो पीस एंड सिक्योरिटी को मान नहीं रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो भी रेजोल्यूशन पास किया गया है सीज फायर का उसको अगर नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन मतलब उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन ली जा सकती है, उसके खिलाफ आर्मी भेजी जा सकते हैं और उसको डिफीट किया जा सकता है, उस राष्ट्र के जो प्रतिनिधि है सरकार है उसको पदच्युत किया जा सकता है। ऐसे बारंबार हुआ है क्योंकि ये जो निर्णय हुए हैं वो एक तरफा बहुत सारे निर्णय हुए हैं, जो इराक का मुद्दा हुआ या अफगानिस्तान का तो ठीक है वो एक बार का मान लेते हैं, लेकिन इराक का मामला हुआ, सीरिया में, लीबिया में, जो भी एक्शंस यूनाइटेड नेशंस के नाम पे जो नेटो के फोर्सेस ने किए हैं सिक्योरिटी काउंसिल की पूरी तरह से सहमति हुए बिना, तो इस प्रकार के मिलिट्री एक्शंस पर सवाल तो उठते रहे हैं, लेकिन ये चीजें की जा सकती है। और ये सारी जो प्रावधान है इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्म्स एम्बार्गोस और कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन, इनके प्रावधान चैप्टर 7 जो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का उसमें उसके प्रावधान दिखाई देते हैं। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है कि वो रिकमेंडेशंस कर सकती है ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सेक्रेटरी जनरल एंड ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल होता है जो अभी एंटोनियो गुतेरस है तो उस प्रकार के नए सेक्रेटरी जनरल का निर्माण कर मतलब अपॉइंटमेंट उसकी होते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिकमेंडेशन महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अगर वेटो कर दिया कि उस प्रकार उनमें से किसी सदस्य राष्ट्र ने उसको वेटो कर दिया कि उसका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए तो उस व्यक्ति का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के रूप में चयनित होना असंभव बन जाता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सहमति होना उस नाम पर उनके नाम पर यह आवश्यक होता है। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशंस में नए सदस्यों को ऐड जिन नए सदस्यों को सदस्यता देनी है नए राष्ट्र को अगर बना है जैसे मैंने कहा कि जो साउथ सूडान है 2011 में मेंबर बना यूनाइटेड नेशंस का, तो इस प्रकार से अगर कोई नया राष्ट्र सदस्य राष्ट्र बनना चाहता है यूनाइटेड नेशंस का तो उस राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सहमति होना आवश्यक है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं कि इनको सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए तो यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है जो अनदर इम्पोर्टेंट बॉडी है वह नहीं देगी, ये बात ध्यान में रखें। एंड देन सेकेंड इम्पोर्टेंट बॉडी जो है यूनाइटेड नेशंस के तहत वह है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली ये इम्पोर्टेंट बॉडी इसलिए है कि जितने भी सदस्य राष्ट्र है वह सबको इक्वल वेटेज है, सबको एक वोट है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड पार्लियामेंट हम उसको कह सकते हैं जनरल असेंबली को। सो इट इज मेड अप ऑफ ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स। आज के तारीख में यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर स्टेट्स हैं। अब यूनाइटेड नेशंस के पावर्स, कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स इन सब चीजों का जो ब्यौरा है वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के चैप्टर 4 में उसके प्रावधान दिए गए, उसका वर्णन हमको दिखाई देता है। अब जो भी निर्णय लिए जाने होते हैं महत्वपूर्ण निर्णय जैसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के संदर्भ में भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है वो कुछ एस्पेक्ट्स पे उसके निर्णय भी महत्वपूर्ण होते हैं। वो कैसे उसकी चर्चा हम बाद में जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी तो वो चीज सामने आएगी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के संदर्भ में जो भी निर्णय लेने होते हैं
नए सदस्यों को सदस्यता, नए राष्ट्रों को सदस्यता देने के संदर्भ में जो निर्णय लेने होते हैं, और साथ ही में यूनाइटेड नेशंस की इतना सारा जो कार्य चलता है पूरे विश्व भर में, तो उसका जो बजट पास करना होता है, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में जब भी निर्णय लेने होते हैं, तो जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनमें से 2/3, 2/3 जो राष्ट्र है उनकी सहमति इन निर्णयों को लेकर के होना आवश्यक होता है। और जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उनके जो डिसीजंस हैं पीस एंड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में और अन्य भी चीजों के संदर्भ में, जो भी उनके डिसीजंस होते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा, जो भी राष्ट्रों के निर्णय होते हैं, वह रिकमेंडेशंस होते हैं, वो सुझाव होते हैं, ऑब्लिगेटरी नहीं होते, बंधनकारक नहीं होते, बाइंडिंग नहीं होते। इसलिए मैंने जो कहा था कि लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अगर कोई निर्णय लिया, वह निर्णय बाउंडिंग है, बाइंडिंग है, बंधनकारक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी हम उसको सिक्योरिटी काउंसिल को मान सकते हैं, जबकि उसमें सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स है। उस बात को लेकर के भी यूनाइटेड नेशन के पूरे जो कार्य प्रणाली है उसकी एक आलोचना होती रहती है, अनेक सारे राष्ट्र करते हैं, पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के माध्यम से जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, वो एक रिकमेंडेशन के फॉर्म में होते हैं। देन जनरल असेंबली डिसीजंस ऑन द बजट आर बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स, लेकिन इसके जो बजट के संदर्भ में जनरल असेंबली के जो भी डिसीजंस होते हैं सभी राष्ट्रों पर वो बाइंडिंग होते हैं। अब ये बजट में क्या क्या चीजों का समावेश होता है, तो उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स, इंटरनेशनल जस्टिस एंड लॉ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, पब्लिक इंफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसमें राजनीतिक मामले हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था, इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सहकार जो विकास को लेकर के, राष्ट्रों के विकास और समाजों के विकास को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय सहकार है, इसी के साथ में पब्लिक में जाने वाली इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन राइट्स मानवीय अधिकारों से संबंधित जो मामले हैं, और ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, अनेक सारे ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, अनेक प्रकार की गतिविधियां जो है यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से होती रहती है। तो ये जो इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है क्योंकि मैन पावर लगती है, तो इन सब चीजों को परिपूर्ण करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो पैसा लगता है, उन चीजों पर ये जो बजट है वो बजट स्पेंडिंग होती है। जो प्रत्येक, जैसे हमारे देश में भी हम हमारे जो बजट सेशन में अनेक सारे जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के लिए एलोकेशंस, सेपरेट सेपरेट एलोकेशंस होते हैं, उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो बजट पास करती है, और ये बजट जो है वो बाइंडिंग होता है सभी राष्ट्रों को। बाइंडिंग होता है मतलब प्रत्येक राष्ट्र को अपनी एक अमाउंट तय, निर्धारित जो अमाउंट है वो यूनाइटेड नेशंस को देनी होती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक न्यूयॉर्क सिटी में एक यूनाइटेड नेशंस की एक छोटी टेरिटोरी वहां पर काम करता है। यूनाइटेड नेशंस कोई देश नहीं है, अपनी उसकी कोई खुद की इंडस्ट्री नहीं है, वो अपना रेवेन्यू को जेनरेट नहीं करता, अपना अपना पैसा खुद नहीं कमाता है। यूनाइटेड नेशंस का जितना भी कार्यभार चलता है या जितना भी कार्य होता है, वर्किंग्स होती है, और जितना बजट होता है, जितना खर्चा होता है अनेक सारे गतिविधियों में, वो सारी की सारी फंडिंग जो आनी है वो यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य राष्ट्र है 193, उनको वो सब पैसे बेयर करने होते, वो देने होते। अब प्रत्येक राष्ट्र सिमिलर अमाउंट नहीं देगा, जैसे बड़े राष्ट्र जिनकी GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, या फिर पर कैपिटा इनकम जिस राष्ट्र की बड़ी है, जो अमीर राष्ट्र है वो ज्यादा उनका भार है, उनके पास वो ज्यादा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जो गरीब राष्ट्र है वो कम पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एवरी मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट टूअर्ड्स द बजट एंड टूअर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वो ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट जनरल असेंबली, मैं थोड़ा सा जनरल असेंबली, क्योंकि जनरल असेंबली बींग द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स, आई हैव ट्राइड टू गिव अ लिटिल मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली मीट्स एनुअली, वो जो जनरल असेंबली के जो सेशंस चलते हैं साल में एक बार होते हैं, और उसको रेगुलर इन अ रेगुलर सेशन दैट ओपन्स ऑन द 3rd ट्यूसडे ऑफ द सितंबर,
एंड रन्स अंटिल द फॉलोइंग सितंबर। सो सितंबर से लेकर के सितंबर तक जनरल जो जनरल असेंबली का जो सेशन है, रेगुलर सेशन है, वो चलता है। और जनरली किसी भी साल के सितंबर में थर्ड जो ट्यूसडे होता है, उस सितंबर का तीसरा ट्यूसडे मतलब तीसरा मंगलवार होता है, तब उसके सेशन की शुरुआत होती है और साल भर ये सारा सेशन चलता है। द रेगुलर सेशन इज स्प्लिट इंटू टू डिस्टिंक्ट पीरियड्स। वो एक साल भर का जो सेशन जिसे हम मान रहे हैं, वो दो दो पीरियड में उसका डिवीजन है। एक मेन मेन पार्ट ऑफ द सेशन एंड द रिज्यूम पार्ट ऑफ द सेशन, ऐसे दो। तो जो मेन पार्ट ऑफ द सेशन है वो है दैट रन्स फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द सेशन टिल क्रिसमस ब्रेकअप इन दिसंबर। तो सितंबर में जो मेन पार्ट ऑफ द सेशन जो है वो सितंबर में शुरू होता है, थर्ड ट्यूसडे ऑफ द सितंबर ऑफ एवरी ईयर, एंड दैट इट रन्स टिल द दिसंबर। दिसंबर का जो क्रिसमस लीव्स होती है, वह लीव क्रिसमस की छुट्टियां लगने तक यह सेशन चलता है। और जो जो रेज्यूम पार्ट ऑफ द सेशन है फिर बाद में, वह दिसंबर से लेकर के नेक्स्ट सितंबर तक। तो इस प्रकार से इसका डिवीजन दो मेन पार्ट ऑफ द सेशन में और रेज्यूम पार्ट ऑफ द सेशन में किया गया है। देन दिस पीरियड इज द असेंबलीज मोस्ट इंटेंस पीरियड ऑफ वर्क एंड इंक्लूड्स द जनरल डिबेट एंड द बल्क ऑफ द वर्क ऑफ द सिक्स मेन कमिटीज। तो ये जो पहला जो सेशन होता है, जो मेन पार्ट ऑफ द सेशन, उसी के उस सेशन के दौरान ही महत्वपूर्ण काम जो है, और इसी के साथ में महत्वपूर्ण जो जनरल असेंबली के माध्यम से जो भी चर्चाएं होती है, वह सारे के सारे जो वर्किंग होती है, वो सारा कार्य जो है, वो फंक्शंस, वो मेन पार्ट ऑफ द सेशन जो थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर से शुरू होकर के दिसंबर जो क्रिसमस की छुट्टियां लगने तक का जो समय होता है, उसी में सारी चर्चा होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आजकल तो जो टीवी में हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो भी सेशंस होता है, उसका लाइव प्रसारण भी होता है। और अक्सर जैसे कश्मीर का इशू होने के बाद पाकिस्तान उस मुद्दे को जाकर के उठाता है, तो उसको हम जो रिप्लाई करने वाले हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं, वो डिप्लोमैट्स रिप्लाई करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जाकर के जनरल असेंबली में जो भाषण करते हैं, हमारे विदेश मंत्री जाकर के वहां पर जो भाषण करते हैं और उनकी खरी खोटी सुना करके बहुत सारे राष्ट्रों को जो आते हैं, और जिसकी चर्चा अक्सर हमारे टीवी डिबेट्स में, हमारे न्यूज़पेपर्स में हम कई कई देखते हैं, हमारे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी उसको बहुत ज्यादा वायरल होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो ये सारे के जो इस सारे फंक्शंस जो होते हैं, प्राइमरली ये मेन पार्ट ऑफ द सेशन जो थर्ड ट्यूसडे ऑफ द सितंबर से लेकर के जो मिड दिसंबर क्रिसमस की छुट्टियां लगने तक का ये जो फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ द सेशन होता है, उसी में ये सारी चीजें होती है। इसी के साथ में छह महत्व इंपॉर्टेंट कमिटीज है, चार छह इंपॉर्टेंट समितियां हैं। इन समितियों का कामकाज भी इसी सेशन के दौरान होता है। उस कमेटियों का नाम जो है आप याद रखना, द फर्स्ट कमेटी उसको कहते हैं डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। वह क्या होता है थोड़ा सा आप खुद भी समझ ले। डिसआर्ममेंट मतलब आर्म्स जो रेस है, आर्म्स रेस मतलब वेपन्स को लेकर के शस्त्रों की जो प्रतिस्पर्धा चली है देशों के बीच में, उसको रोकने के लिए जो कमेटी बनाई है उसको डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी, द फर्स्ट कमेटी। द सेकेंड कमेटी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी। द थर्ड वन इज द थर्ड कमेटी सोशल कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन। द फोर्थ कमेटी स्पेशल पॉलिटिकल एंड रिकॉलोनाइजेशन। द फिफ्थ कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन और बजट को लेकर की जो कमेटी है वह। द सिक्स्थ कमेटी इज द लीगल डील्स एंड लीगल मैटर्स से संबंधित जो भी कमेटी है वो सिक्स कमेटी। तो ये छह कमिटीज और साथ ही में जो महत्वपूर्ण काम है जो जनरल असेंबली का, वह सारा काम फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन जो है, मेन पार्ट ऑफ द सेशन, उसमें चलता है। द रिज्यूम पार्ट ऑफ द सेशन दैट रन्स फ्रॉम द जनवरी आफ्टर द क्रिसमस ब्रेक, क्रिसमस ब्रेक के बाद दैट रन्स फ्रॉम द जनवरी अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द न्यू सेशन दैट्स द सितंबर, एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स मोर थीमेटिक डिबेट्स, कंसल्टेशन प्रोसेसेस एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स। तो अनेक सारे जो जो एस्पेक्ट जो मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं है, डिबेट बहुत सारे थीम्स को लेकर के डिबेट, एनवायरनमेंट को, पावर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी निर्मूलन को लेकर के, ऐसे अनेक सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं करना, कंसल्टेशन करना,
और बाकी जो वर्किंग ग्रुप्स भी होते हैं जनरल असेंबली के माध्यम से, जो कार्य समूह होते हैं, उनकी मीटिंग्स कराना, और प्राइमरली इसमें जो होते हैं हेड्स ऑफ द नेशन एंड मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, वे बड़े अधिकारी नहीं होते हैं उसमें, यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड नेशंस के उनके जो डिप्लोमैट्स होते हैं, और साथ में प्रत्येक देश के अपने अपने डिप्लोमैट्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, वो सारे लोग बैठ करके उन पर चर्चा करते हैं, अपने अपने देश की एक भूमिका भी वहां पर रखते हैं। तो ये जो हमने कहा कि द मेन पार्ट ऑफ द सेशन जो थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर में शुरू होकर के दिसंबर तक जो चलता है, उसमें जो मैंने कहा, हमने कहा था कि ये जो जनरल डिबेट है, तो व्हाट इज दैट जनरल डिबेट? सो इट इज हेल्ड टिपिकली द फॉलोइंग ट्यूसडे विदाउट इंटरप्शन फॉर 9 वर्किंग डेज। मतलब एक बार जब सेशन शुरू होता है सितंबर में, थर्ड ट्यूसडे को लेकर के, तो जनरली ये ट्यूसडे को शुरू होता है, फॉलोइंग ट्यूसडे को, विदाउट इंटरप्शन फॉर 9 वर्किंग डेज। तो ये जो जनरल डिबेट है, महत्वपूर्ण डिबेट है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स वगैरह सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये 9 वर्किंग डेज जो होते हैं, 9 वर्किंग डेज, सैटरडे संडे को छोड़ करके 9 दिन जो है ये जनरल डिबेट होता है। द जनरल डिबेट इज हाई लेवल इवेंट एंड टिपिकली अटेंडेड बाय मेंबर्स स्टेट्स हेड्स ऑफ द स्टेट। मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, गवर्नमेंट के जो हेड्स होते हैं वह जाते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, चांसलर्स, एंड ऑल्सो जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे विदेश मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये सारे लोग, एंड यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेट्स भी उसमें होते हैं। नाउ ये जो जनरल डिबेट जो होता है, उसमें मेंबर स्टेट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रेज द अटेंशन टू द टॉपिक्स और द इश्यूज दैट दे फील आर इम्पॉर्टेंट। तो वही जो हमने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का जो फर्स्ट जनरल डिबेट होता है, फर्स्ट सेशन के दौरान, जो मेन पार्ट ऑफ द सेशन के दौरान, तो ये जनरल डिबेट में राष्ट्रों के प्रमुख, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चांसलर्स, ये जाते हैं, साथ में मिनिस्टर्स जाते हैं, और उनकी दिशा से, उनके उनकी समझ से जो महत्वपूर्ण मुद्दे लगते हैं, जैसे अक्सर पाकिस्तान के लिए और अन्य कोई मुद्दा नहीं होता है, वह कश्मीर का मुद्दा बार बार आकर के वो उठाता जाता है। तो इस प्रकार के कुछ, अब इन दौरान अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन क्राइसिस का मुद्दा जो है, वह बहुत सारे यूरोपियन राष्ट्र है और या फिर यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे राष्ट्रों ने वह मुद्दे बारंबार उठाए। तो यह मुद्दे जो बारंबार, मतलब जनरल डिबेट में 9 वर्किंग डेज पर जो ये जनरल डिबेट चलता है, उसमें ये मुद्दे उठाए जाते हैं। मेनी अदर हाई लेवल थीमेटिक मीटिंग, समिट्स एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑल्सो हेल्ड ड्यूरिंग जनरल डिबेट वीक। ये जो जनरल डिबेट का वीक होता है, उसमें अनेक अनेक मुद्दे भी है, मीटिंग्स होती रहती है। और इसी के साथ में देखिए, सारे राष्ट्र साथ में जुड़े रहते हैं, तो राष्ट्र प्रमुखों को यह मौका भी होता है कि अन्य राष्ट्रों के साथ एक इनफॉर्मल रिलेशन बनाए जाए। जो हम फॉरेन डिप्लोमेसी की जब भी बात करते हैं, वह डिप्लोमेसी सिर्फ किताबों में लिखे हुए नियमों के हिसाब से नहीं चलती है। प्राइमरली जो दो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, वो अब एक मित्रतापूर्ण संबंध भी बनाते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब भी नए राष्ट्र प्रमुखों को मिलते हैं, तो एक पर्सनल कनेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और उस माध्यम से अनेक सारी नई चीजें राष्ट्र के हित में क्या हो सकती है वो करने की कोशिश भी वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो यह जो है अनेक सारी मीटिंग्स के दौरान, ये जो जनरल डिबेट होता है, हेड्स ऑफ स्टेट और मिनिस्टर्स होते हैं, उन दौरान ये होता है। द नेक्स्ट सेशन जो कहा कि ये तो रेगुलर सेशन हुआ, तीन प्रकार के सेशन जनरल असेंबली के माध्यम से किए जाते हैं। द सेकेंड सेशन है स्पेशल सेशन, जिसे कहा गया है, और उसको जो कॉन्वेन करने की, क्यों कॉन्वेन किया जाता है स्पेशल सेशन? एक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुव्यवस्था को लेकर या अन्य सारे मुद्दों को लेकर के, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है, तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट कर सकती है जनरल असेंबली को, और वो स्पेशल सेशन को कन्वेन किया जाता है। सेकेंड एस्पेक्ट में जो यूनाइटेड नेशंस के मेजोरिटी नेशंस मेंबर स्टेट्स जो है, मेजोरिटी ऑफ द सदस्य राष्ट्र जो है, उन्होंने अगर रिक्वेस्ट किया होगा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स, अनेक सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स जो है, उन्होंने अगर रिक्वेस्ट किया कि स्पेशल सेशन कन्वेन किया जाए और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो, तो वह होता है, दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट।
बाय अ सिंगल मेंबर एज लॉन्ग एज अ मेजोरिटी कॉन्कर्स विद इट, मतलब एक पर्टिकुलर नेशन भी है इस प्रकार के सेशन को, स्पेशल सेशन को कॉन्वेन करने की रिक्वेस्ट जो है जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कर सकता है, लेकिन उसको समर्थन जो है मेजोरिटी ऑफ नेशंस अनेक सारे सदस्य राष्ट्रों का समर्थन उसका होना चाहिए। तो थ्री एस्पेक्ट, सो द स्पेशल सेशन ऑफ द जनरल असेंबली कैन बी कॉन्वेन इन थ्री थ्री सिचुएशंस। फर्स्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सेकेंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स, एंड थर्ड बाय सिंगल मेंबर एज लॉन्ग एज दैट सिंगल मेंबर द सिंगल मेंबर्स और द मेंबर स्टेट्स रिक्वेस्ट हैज कॉन्करेंस ऑफ अनादर मेजोरिटी ऑफ द अनादर मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नाउ स्पेशल सेशंस टिपिकली कवर वन सिंगल टॉपिक, एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है उस पर चर्चा होती, एंड एंड विद द अडॉप्शन ऑफ वन और टू आउटकम डॉक्यूमेंट सच एज पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, एक्शन प्लान और स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट द सेट टॉपिक। तो एक या दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और उसमें आउटकम डॉक्यूमेंट आता है और क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार की एक्शंस ली जानी चाहिए, उस संदर्भ में एक स्पष्ट निर्देश उसमें आ सकते। और ये जो स्पेशल सेशंस है प्राइमरली उसमें सभी राष्ट्र जो होते हैं, राष्ट्रों के प्रमुख उसमें और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वह उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज तक ये जो स्पेशल सेशंस जो जनरल असेंबली में हुए हैं वह है, देयर हैव बीन 30 स्पेशल सेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आज तक के इतिहास में 30 स्पेशल सेशंस कॉन्वेन किए गए। नाउ द नेक्स्ट, मैंने कहा था एक रेगुलर सेशन, स्पेशल सेशन, एंड द थर्ड वन द इमरजेंसी स्पेशल सेशन जिसे कहा जा सकता है, कि ऐसा कोई इमरजेंसी वाला इशू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आता है, देशों के सामने आता है, उस पर चर्चा होना, बहुत तत्काल चर्चा होने की आवश्यकता है, उन परिस्थितियों में इमरजेंसी स्पेशल सेशन को कॉन्वेन किया जाता है और उसमें कुछ कलेक्टिव एक्शन लेने की जब बात होती है उसमें उस संदर्भ में किया जाता है। सो द स्पेशल सेशंस, द स्पेशल इमरजेंसी सेशंस आर एसेंशियली कॉन्वेन टू टेक कलेक्टिव मेजर्स ऑन द इमरजेंट इशू ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फाइव मेंबर्स। यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फाइव मेंबर्स जो है दे हैव वेटो पावर, सो इफ सच अ डिसीजन वॉज सपोज टू बी टेकन बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बट सिंस दे हैवंट रीच टू एन अग्रीमेंट एंड द सर्टेन नेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और द यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स है, दे फील दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक इमरजेंट एक्शन और सर्टेन इशू, इन दैट केस इमरजेंसी सेशन इज टू बी कॉन्वेंड। एंड ये जो इमरजेंसी जो सेशन होता है, इमरजेंसी स्पेशल सेशन, दिस पावर वॉज गिवन टू द असेंबली, इसको उसको कॉन्वेंट करने की जो पावर है वह जो अधिकार है जनरल असेंबली को, 1950 में एक रेजोल्यूशन पारित किया गया, उस रेजोल्यूशन का नंबर है 377(5). इस सेशन, इस रेजोल्यूशन के माध्यम से 1950 में जो है 3 नवंबर 1950 को यह पावर जो है इमरजेंसी स्पेशल सेशन कॉन्वेंशन कॉन्वेन करने की जो पावर जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को दी गई है। एंड सच अ सेशन मस्ट बी सपोर्टेड एटलीस्ट बाय 7 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये अगर ऐसा, अगर स्पेशल इमरजेंसी सेशन अगर कॉन्वेन करना है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एटलीस्ट 7 सदस्यों का समर्थन उसको होना चाहिए, मतलब उनकी ओर से वह मांग उठनी चाहिए, उनकी ओर से वह डिमांड उठनी चाहिए, और बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य है उनकी मेजॉरिटी ऑफ नेशंस की यह मांग होनी चाहिए, कोई एक सदस्य मांग करता है, इसलिए इस प्रकार का स्पेशल इमरजेंसी सेशन जो है जनरल असेंबली का कॉन्वेन नहीं किया जाता है। द जनरल असेंबली मस्ट मीट विद इन 24 आवर्स इन केस ऑफ स्पेशल इमरजेंसी सेशन, ये जो जनरल असेंबली है दैट मस्ट मीट विद इन 24 आवर्स। एक बार वो सेशन की मांग उठने के बाद, उसकी डिमांड उठने के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर यह सेशन कॉन्वेंशन कॉन्वेन किया जाना चाहिए, उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए, और
जो मेंबर स्टेट्स है उनको 12 घंटों पहले इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द हेड्स ऑफ द स्टेट्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, प्राइमरली फॉरेन मिनिस्टर्स हम कह सकते हैं या फॉरेन सेक्रेटरीज जो है, दे मस्ट अटेंड दिस सेशन, स्पेशल इमरजेंसी सेशन. बट देन दे मस्ट बी इन्फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली बिफोर 12 आवर्स. तो टू मेक इट क्लियर अगैन कि जो स्पेशल इमरजेंसी सेशन होता है उसको कॉन्वेन करने के लिए कम से कम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकता है, या मेजोरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स है उनकी द्वारा ये मांग उठनी चाहिए. एक बार इस प्रकार की मांग उठती है तो 24 घंटों के अंदर अंदर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, और वो मीटिंग ऑर्गेनाइज होने के लिए कम से कम 12 घंटे पहले जो है प्रत्येक राष्ट्र, जो सदस्य राष्ट्र है, उनको इन्फॉर्म करना आवश्यक है. और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अब तक की जो हिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री में इस प्रकार से 11 इमरजेंसी स्पेशल सेशन है अब तक जो है. देर हैव बीन 11 इमरजेंसी सेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस सो फार. दैट वी मस्ट कीप इन माइंड. अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक जो बात मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी नहीं है, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो फर्स्ट सेशन है दैट वाज इन द मेथोडिक मेथोडिक चर्च हॉल जो है लंदन में, वह 1948 में वो कॉन्वेंट किया गया था, 10th of January 1948 में. और ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 6 बॉडीज है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट, इन 6 बॉडीज में से, 6 ऑर्गन्स में से 5 ऑर्गन्स हैव देयर हेडक्वार्टर्स लोकेटेड ऑन द यूनाइटेड नेशन टेरिटोरी इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, न्यूयॉर्क में है. उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड ऑफिस है वो हेग में है, नेदरलैंड्स का हेग शहर जो है वहां पर है. तो ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो ऑफिस बना था वो फाइनली रीलोकेट हुआ था न्यूयॉर्क में इन 1952 में रीलोकेट हुआ था, पर उसके पहले जो है मेथोडिस्ट चर्च हॉल जो है लंदन में, उसका पहला सेशन 1948 में हुआ था, 1948 में, यस 1948 और 1946, प्लीज कंफर्म दैट. नाउ अब जो नेक्स्ट बॉडी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस की, वो है सेक्रेटेरिएट, उसका हेड होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल. सो जो डे टू डे एक्टिविटीज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, प्रशासन का काम जो है, वह सारे के सारे काम सेक्रेटेरिएट द्वारा किए जाते हैं. उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है सारे काम को आगे बढ़ाना, जिनके नेतृत्व में बढ़ता है, उनका चयन होता है, उनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कह सकते हैं या चयन होता है, उनको हम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कहते हैं. मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, एंटोनियो गुतेरस वाज स्वॉन इन एज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑन January 2017, एंड इन 2021 ही गॉट री इलेक्टेड अगेन. देन सेक्रेटरी जनरल कैरीज आउट नंबर ऑफ रिसर्च फंक्शंस, ये सेक्रेटेरिएट है उसके माध्यम से सेक्रेटरी जनरल के नेतृत्व में अनेक सारे जो रिसर्च शोध कार्य और उसी के साथ में अनेक प्रकार के जो व्यवस्थापन से संबंधित जो कार्य होते हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है. आर्टिकल 99 जो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, इट इट हैज दिस ब्रिंग्स द सिचुएशन टू द नोटिस ऑफ यूएनएससी दैट आर लाइकली टू पोज थ्रेट्स टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो क्या होता है कि आर्टिकल 99 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसके माध्यम से यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उनके नॉलेज में, उनके नॉलेज में जो है, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित जो इश्यूज है वह वो ला सकते हैं सेक्रेटरी जनरल. उसको यूनाइटेड नेशंस और सेक्रेटरी जनरल का डिप्लोमेटिक रोल कहा गया है. सो आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर इट एम्पावर्स द
सेक्रेटरी जनरल टू ब्रिंग द सिचुएशन टू द नोटिस ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन पर्टिक्यूलर. सो ऑन सच इश्यूज विच हैव द पोटेंशियल ऑफ थ्रेटनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सो सच इश्यूज आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंड दिस प्रोविजन हैज बीन मेड इन आर्टिकल 99 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर. एंड दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज द डिप्लोमैटिक रोल ऑफ द सेक्रेटरी जनरल. सो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड. देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दैट वी डिस्कस कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के ओवरऑल अथॉरिटी में फंक्शन करती है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट ऑर्गन ऑल टुगेदर. जितने भी सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको कोऑर्डिनेट करने का काम जो है, और इसी के साथ में यूनाइटेड नेशंस की जो फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस है, मैंने अनेक सारे जो बॉडीज है उनके कार्यों को कोऑर्डिनेट करना और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारे कार्य जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के माध्यम से होते हैं. आज जितने भी एक्टिविटीज जो हो रही है यूनाइटेड नेशंस, हमने कहा कि पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित, क्योंकि राष्ट्रों के बीच में एक सहकार्य का भाव या फिर सहमति का भाव ना होने के कारण पीस एंड सिक्योरिटी के इश्यूज के संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस बहुत बड़ा काम करता हुआ दिखाई नहीं देता है. लेकिन विश्व के विविध हिस्सों में यूनाइटेड नेशंस जो कार्य कर रहा है अनेक माध्यमों से, वह सारा का सारा कार्य इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के माध्यम से होता है. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कंसल्ट्स विद एनजीओस, देयर बाय मेंटेनिंग अ वाइटल लिंक बिटवीन यूनाइटेड नेशंस एंड सिविल सोसाइटी. दैट ऑल्सो इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट नीड्स टू बी बॉर्न इन माइंड कि यूनाइटेड नेशंस ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये जो ऑर्गन है इसके तहत अनेक सारे एनजीओज को ऑब्जर्वर स्टेटस होता है, वो रजिस्टर कर सकते हैं और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की गतिविधियों में वो हिस्सा भी ले सकते हैं. तो इस प्रकार से कंसल्टेशन की व्यवस्था जो है इकोसॉक के माध्यम से एनजीओज के साथ की गई है. इसका उद्देश्य क्या है? तो जो सिविल सोसाइटी है, नागरिक समुदाय है, उसके साथ भी यूनाइटेड नेशन संबंध बनाए रखे. अब ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की कुछ सब्सिडियरी बॉडीज भी है, उसमें फंक्शनल कमीशंस है, फॉर एग्जांपल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, रीजनल कमीशंस, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इस प्रकार के अनेक सारे फंक्शनल कमीशंस जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के माध्यम से कार्यरत रहते हैं. द ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल आज वह कार्यरत नहीं है, लेकिन जब डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस, मतलब ये जो डीकोलोनाइजेशन, मतलब ये जो यूरोपियन राष्ट्र अनेक देशों में जाकर के जहाँ वहाँ की टेरिटोरी जीत करके वहां पर अपना शासन चला रहे थे, जैसे भारत में ब्रिटिश लोग थे, भारत को स्वतंत्रता मिली, अनेक सारे जगह पे जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चले, स्वतंत्रता आंदोलन चले, उसके माध्यम से उनको जो स्वतंत्रता मिली उसको द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन हम कहते हैं. तो ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज डिपोज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीकोलोनाइजेशन. तो उसमें प्राइमरली 11 ट्रस्ट टेरिटोरीज होती है, ट्रस्ट टेरिटोरीज थी, उनको प्रॉपरली स्वतंत्र करने में और उनको एक उनकी व्यवस्थाओं को खड़ा करने में का जो दायित्व है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल को दिया गया था. सो द ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड International supervision for 11 trust territories administered by 7 member states. That has to be kept in mind. Now, it ensured adequate steps to be taken to prepare the territories for self-government or independence. स्वतंत्र होने के बाद वहाँ की पूरी constitution बनाना है, state building की जो process है उसमें मदद करने का काम भी trusteeship council का जो दायित्व है वो दिया गया था. By 1994, all the trust territories had attained self-government or independence. 1994 तक जो है ये जो भी trust territories थी, जो trust territories मैंने नीचे मैंने list में बताया है, I will read them for you also. तो उनमें 1994 तक ये सारी की सारी जो trust territories जो थी वह स्वतंत्र बन चुकी. और जो last trust territory थी, आप exam के दृष्टिकोण से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें ध्यान में रखना है कि
जो लास्ट टेरिटोरी टू बी और टू बिकम फ्री वॉज द उसमें उसका नाम है पलाऊ, द पैसिफिक आइलैंड्स ऑफ पलाऊ। उस पर जो शासन था यूएस का था, तो वह लास्ट टेरिटोरी स्वतंत्र बनी। तो उनमें जो 11 ट्रस्ट टेरिटोरीज की मैंने बात की थी, उनमें से फर्स्ट है वेस्टर्न समोआ, तांगानिका, थर्ड रवांडा उरुंडी, फोर्थ कैमरूनस अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैमरूनस, पांचवा जो है फिफ्थ कैमरूनस अंडर फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्स टोगोलैंड अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, सेवन टोगोलैंड अंडर फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, एट जो है न्यू गिनिया, नाइन्थ नराव, टेंथ स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट टेरिटोरी और ट्रस्ट टेरिटोरी ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स एंड पलाऊ जो था उसमें आता है लास्ट टेरिटोरी टू बी इंडिपेंडेंट, एंड द 11th वॉज इटालियन सोमालीलैंड, मतलब जो आज की जो सोमालिया है वहां। एंड द 6th बॉडी जिसका हेडक्वार्टर मैंने जो कहा था हेग में है नेदरलैंड में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यह जो यूनाइटेड नेशंस का मेन जुडिशियल ऑर्गन है, एंड इसके 15 सदस्य, 15 जो जजेस होते हैं वो ज्वाइंटली इलेक्टेड बाय यूएनजीए एंड यूएनएससी, मतलब जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से उनका चयन होता है। और उसमें क्या होता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सो इट डिसाइड्स डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज, पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट्स इन प्रोसीडिंग इज वॉलंटरी। तो जो भी डिस्प्यूट सेटल करने होते हैं उस देशों के बीच के जो भी डिस्प्यूट्स को सेटल करना होता है वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है उसके लिए कंसेंट चाहिए वो दो देशों के बीच में या दो से अनेक देशों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, विवाद है, उसको सुलझाने के संदर्भ में जो भी ये जो केस होगी उस केस के लिए कंसेंट जो है वो जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट है उसकी कंसेंट, जो प्रतिभागी राज्य है उसका उसकी अनुमति होना उसके लिए आवश्यक है। जबरदस्ती से उसको पार्टिसिपेट कराया नहीं जा सकता है, पर एक बार अगर उसने कंसेंट दिया किसी स्टेट ने इस प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का, तो जो भी वर्डिक्ट आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को फॉलो करना मैंडेटोरी बंधनकारक होता है उस देश के लिए। इसी के साथ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोवाइड्स एडवाइजरी ओपिनियंस टू अदर यूएन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑन रिक्वेस्ट। यूनाइटेड नेशंस के अन्य सारे जो ऑर्गन्स हैं और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है उनको भी एडवाइजरी ओपिनियंस जो है वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस